आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख की बड़ी कीमत पर खरीदा था, ये सोचकर कि केकेआर की टीम को ये तीसरा खिताब दिलाएंगे, जहां गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में साल 2012 और 2014 का खिताब जिताया था, तो वहीं इस बार उम्मीद थी कि 2022 का खिताब केकेआर की झोली में आएगा। आप सभी को बता दें, कोलकाता नाइट राइडर के धमाकेदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जी जान लगा दी मैच जिताने के लिए। रिंकू सिंह और सुनील नारायण की बल्लेबाजी ने भी सभी का दिल जीता, लेकिन केकेआर की टीम महज 2 रन से ये मैच हार गई और 2 पॉइंट्स भी खो दिए, जिस पॉइंट्स के दम पर ये प्लेऑफ में पहुंच सकती थी अगर दिल्ली और बेंगलोर अपने अगले मुकाबले हारती तो। लेकिन बात करें इस रोमांचक मुकाबले की, जहां क्वेंटन डिकॉक और केएल राहुल की जोड़ी ने ऐतिहासिक पार्टनरशिप करी 210 रन की, पहले विकेट के लिए एक भी विकेट नहीं खोया था और केकेआर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए, जहां क्वेंटन डिकॉक ने 70 गेंदों पर 140 रन और केएल राहुल ने 51 गेंदों पर 68 रन बनाए। केकेआर का ये सीजन का आखिरी मुकाबला था, अगर ये जीत जाते तो एक उम्मीद रहती कि प्लेऑफ में पहुंच सकते थे, दिल्ली और आरसीबी की हार के बाद, क्योंकि इनका नेट रन रेट बाकी टीमों के मुकाबले बेहतरीन था। लेकिन यहां बात करें, केकेआर की टीम की शुरुआत बहुत खराब रही, वेंकटेश अय्यर और अभिजीत तोमर दोनों की विकेट दोस्तों महज 9 रन के अंदर गिर चुकी थी। इसके बाद नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर, जो कि इस पूरे सीजन काफी प्रभावित किए, इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी दिखी मैदान पर, इन दोनों ने मुकाबला आगे लेकर गए। करीब 54-56 रन की पार्टनरशिप थी, जो कि सिर्फ 6 ओवर 5 ओवर के अंदर आई। बड़ी तेजी से नीतीश राणा ने दोस्तों रन बनाए थे, आवेश खान के खिलाफ तो खासकर 22 गेंदों में 42 रन नीतीश राणा ने बनाए थे, 9 चौके की मदद से। कृष्णप्पा गौतम ने इनका विकेट चटकाया था, मार्कस स्टोइनिस ने कैच पकड़ा था। तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 29 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, 4 चौके 3 छक्के और 172 के स्ट्राइक रेट से। मार्कस स्टोइनिस ने जब इनका विकेट चटकाया तब केकेआर का स्कोर 14वें ओवर की चौथी गेंद तक 131 रन था, यानी करीब 9.5 रन प्रति ओवर रन बन रहे थे और करीब 10.5 रन प्रति रन बनाने थे, तो यानी कि आसानी से केकेआर जीत सकती थी, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज रसल, रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज थे जो आसानी से रन बना सकते थे। लेकिन श्रेयस अय्यर की इस पारी के बाद सैम बिलिंग्स ने 24 गेंदों में 36 रन 2 चौके 3 छक्के की मदद से मारे, तो वहीं रसल ने 11 गेंदों पर महज 5 रन बनाए और मोहसिन खान ने इनका विकेट चटकाया था। रिंकू सिंह और सुनील नारायण के बीच जो 58 रन की पार्टनरशिप है, उसने पूरे मैच को बदल के रख दिया था। रिंकू सिंह ने 15 गेंदों पर 40 रन 2 चौके 4 छक्के की मदद से मारे, इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 266 का था। तो सुनील नारायण ने भी 7 गेंदों पर 21 रन 3 छक्के की मदद से मारे और मुकाबला पलट दिया था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन चाहिए थे, लेकिन केकेआर की टीम बस 2 रन से मुकाबला हारी और एवन लुइस की वो कैच ऐतिहासिक कैच बन गई, वरना तो रिंकू सिंह मैच को जिता ही दिए थे। रिंकू सिंह काफ़ी नाराज दिखे। अब आपको बता दें, केकेआर का सीजन का आखिरी मुकाबला था, तो केकेआर के कप्तान की बात करें श्रेयस अय्यर की, इस सीजन 12 करोड़ 25 लाख में खरीदे गए थे। इनको खरीदने के लिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर, ये 5 बड़ी टीमें इनके पीछे पड़ी थी, लेकिन 12 करोड़ 25 लाख में केकेआर ने इन्हें अपने खेमे में शामिल करा था। अब इसके बाद इस सीजन की इनकी बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस की बात करें, कप्तानी का तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है ही, 14 मैचों में 6 मैच जिताए और 8 मैच इनको हार का सामना करना पड़ा, हार जीत लगी रही, बीच में 5 मुकाबले लगातार हारे थे, इसी वजह से केकेआर का मनोबल बहुत टूट गया। बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर ने इस सीजन केकेआर की तरफ से खेलते हुए 14 मैचों में 401 रन बनाए, इस बीच इनकी औसत 30 की थी, 3 बार इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, तो इस बीच इनका स्ट्राइक रेट 134 का था, 41 चौके 11 छक्के इन्होंने सीजन अपनी पारियों में लगाए। श्रेयस अय्यर एक धमाकेदार बल्लेबाज है और कैप्टन भी बहुत बढ़िया है, अगर बीच में देखा जाए तो इस सीजन केकेआर की ओपनिंग जोड़ी कारगर नहीं रही, कभी वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे, तो कभी अजिंक्य रहाणे की जगह पर एरन फिंच, कभी एरन फिंच अजिंक्य रहाणे, कभी यहाँ पर सैम बिलिंग्स को ओपनिंग में उतारा गया, कभी सुनील नारायण को, तो कभी अभिजीत तोमर को, मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं करा। श्रेयस अय्यर है या टीम मैनेजमेंट की गलती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। केकेआर की टीम हार हुई, सीजन खत्म हो गया, लेकिन एक हार जो हुई सम्मानजनक हुई, तो केकेआर को शायद इतना बुरा भी नहीं लग रहा और श्रेयस अय्यर ने भी अपने खिलाड़ियों की तारीफ करी। सीजन खत्म हुआ, केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर रहेंगे या नहीं अगले सीजन, देखना वाला दिलचस्प होगा, लेकिन अब आगे का टूर्नामेंट प्लेऑफ की रेस जारी रहेगी। बने रहे चैनल के साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। इस मुकाबले के हीरो बने क्वेंटन डिकॉक।